नो, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। ये क्या कर दिया मैंने, इतना ना समझ कैसे हो सकता हूं मैं। मेरी बेवकूफी के कारण मेरे दोस्तों की जान मुसीबत में पड़ गई। हाँ, मुझे नफरत हो रही है खुद से। मुझे हयातों की बात समझ जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। मेरे इस पागलपन के चक्कर में हालोक और एंड्रयू की जान भी जा सकती थी। क्रोनो, इतना परेशान क्यों हो रहा है? आखिरकार मुझे रैम्पेज ने तुम सबको खत्म करने के लिए आजाद कर ही दिया। अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक पावरफुल बॉडी की जरूरत है, जो कि मुझे तू देगा। मेरा पहला शिकार तो वो आलोक था, लेकिन वो मुझसे अलग हो गया। अब तेरी बारी। बहुत जी ली तुम सबने शांति भरी जिंदगी, अब वक्त आ गया है तबाही का। तुम सबको क्या लगता है कि इन रैम्पेज को तुम इतने आसानी से रोक सकते हो? अब देख क्रोनो, कैसे मैं तुझे पूरा का पूरा सोख लूंगा और तेरे दोस्तों को पता भी नहीं चलेगा कि तेरे अंदर मैं हूँ। तेरा शरीर अब मेरा मोहताज है। ये क्या हो रहा है मुझे? इन भाड़े के टट्टू ने तो नाक में दम करके रखा है, इनको अभी बताती हूँ। हाँ, अब आया ना मजा। जस्टिन, तुम्हारे साइड का क्या सीन है? क्या तुमने उन नूबड़ों को ठिकाने लगा दिया? रुको नूबड़ो, अभी मुझे चखाता हूँ। तुम सबको क्या लगता है कि फ्री फायर तुम्हारे बाप का घर है? जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो। अब आया ना मजा, आज तो इनकी सफाई बिल्कुल ढंग से करूंगा। दोबारा इस शहर में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे। अकेली इनका काम तमाम कर दिया है मैंने। अब तुम मेरे पास आ सकती हो सके तो जल्दी आना, हमें अभी किसी से मिलने जाना है। इन नूबड़ों को मार के तो आज मजा ही आ गया, बहुत दिन बाद हाथ साफ करने का मौका मिला। हाँ देखो, तुमने बुलाया और मैं आ गई। पर जस्टिन, हुआ क्या और हम जा कहाँ रहे हैं? अकेली, अब इन रैम्पेजेस को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इन्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो ये फ्री फायर की पूरी तबाही कर देंगे और इसी के साथ GTA की भी। फिलहाल अभी तो हमें एंड्रयू से मिलने जाना है, उसे इस वक्त हमारी जरूरत है और लगे हाथ हम
उसके दोस्तों से भी मिल लेंगे। हो सकता है इस सिचुएशन में वो हमारी मदद करे इन रैम्पेजेस को रोकने में। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं अपने भाई और उसके दोस्तों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्हें हमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब फ्री फायर और जीटीओ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कली, तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। चलो अब निकलते हैं, देर नहीं करनी चाहिए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग हुमर के जाल में फंस कैसे गए, जबकि तुम दोनों तो इतने ज्यादा पावरफुल हो। यार एडम, अब क्या बताऊं, तू तो जानता है ना, धोखे की कोई सीमा नहीं होती। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि उसने कब मेरे पीछे से वार कर दिया। वो वॉर क्लैशर बहुत ही ज्यादा शातिर है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये सब उसकी हमेशा से सोची समझी चाल थी। वो हमेशा हमें अपने जाल में फंसाना चाहता था, कब वो अकेले एंड्रू को पाए और उससे उसकी रैम्पेज पावर छीन ले। गाइस, अब बस इंतजार खत्म हुआ। मैंने अपने एक खास दोस्त को बुलाया है, वो दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो भी फ्री फायर में नया नया आया है। आलोक, मैंने कितना समझाया था तुम लोगों को, लेकिन उस क्रोनो की जिद के आगे किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब कहाँ है वो क्रोनो का बच्चा? सब कुछ बर्बाद करने के बाद कहाँ छिपा है? अब देखा ना, लास्ट में वही हुआ जिसका मुझे डर था। Oh, that was fantastic, guys. Relax हो जा, मेरे भाग, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुझे जादू की कसम। मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा अब हम आगे क्या करेंगे। हमारे गिल्ड की बची कुची पावर्स भी अब खत्म होती जा रही है। उस वॉर क्लेसर के बच्चे ने एंड्रू को पूरा खोखला कर दिया, ऊपर से पता नहीं अब ये क्रोनो का बच्चा कहाँ गायब हो गया है। लगता है कि तू मेरी पावर को भूल गया। Oh, that was fantastic. मैं अभी भी उस जैसे 10 वॉर क्लेसर को एक पल में चकनाचूर कर सकता हूँ, मिट्टी में मिला सकता हूँ। कोई मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरे पास जादू की शक्ति। दोस्तों, ये फालतू की बहस करने से कुछ नहीं होने वाला। हम सबको साथ मिलकर सोचना होगा कि हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास अब वक्त बहुत कम है। वो रैम्पेज हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। अरे एंड्रयू ने तो यही लोकेशन दी थी। केली, अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अरे ये तो क्लॉक टावर है। हे एंड्रयू, मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त। और मैं भी। ओह जस्टिन, मुझे तुम्हारा इंतजार था, तो फाइनली तुम आ ही गए। हाँ जस्टिन बीबर, अभी तक मुझे लगता था कि मैं इस फ्री फायर में अकेला सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन अब ये नपोनो भी आ गया। अब क्या इधर आके गाना गाएगा क्या? ओहो जस्टिन बीबर, अब जल्दी से गाना सुना दो। केली, तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? तो एंड्रयू, ये जस्टिन तुम्हारा फ्रेंड है, पर तुमने तो इसके बारे में कुछ और ही बताया था कि ये फ्री फायर में सबसे ज्यादा होशियार है। वो तो मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा। और ये फ्री फायर में आया कब? मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। आलोक, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। बस बहुत हुआ नूब्रो, क्या लगा तुम सबको कि मैं इतनी आसानी से खत्म हो सकता हूँ? शायद तुम भूल गए हो, फ्री फायर से रैम्पेज को खत्म करना नामुमकिन है, और तुम लोग इस फ्री फायर में कीड़ों के समान हो। ये जगह सिर्फ हमारे लिए है और इसे हम अपना बना कर ही रहेंगे। बस वेनम, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है? तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। ये फ्री फायर तेरे लिए नहीं है बच्चे, अभी भी वक्त है, लौट जा। हाँ तूने सही कहा, अब वक्त है लौटने का, लेकिन मेरा नहीं, तेरा।
टाइटन पावर, टाइटन पावर। ओह, तो तू आ ही गया, पर अब लौट के नहीं जा पाएगा। अब तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं तुझे बताऊंगा कि हम कौन हैं। शीरो, यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी? आने में देर जरूर हुई है, लेकिन इस वेनम को हराने में नहीं होगी। क्या हुआ नुबड़े? अब तुझे हमने चारों तरफ से घेर लिया है। शीरो, लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारी कोबरा गन का भी इस पे कोई असर नहीं हो रहा। हम इसे हराएंगे कैसे? तो फिर ये ले। टाइटन फुल पावर। ओ दोस्तों, तो फाइनली लगता है हमने इस वेनम को हरा ही दिया। ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। ओ नो, अब ये क्या है? अरे नहीं, ये तो क्रोनो है। मतलब इस बार वेनम ने क्रोनो के शरीर को अपना शिकार बनाया। मुझे अंदाजा है इसकी शक्तियों का, क्योंकि मैं पहले भी इससे जुड़ चुका हूँ। आलोक, इसका मतलब अभी तक हम जिससे लड़ रहे थे वो और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त क्रोनो था, और इस तबाही के पीछे इसी का हाथ है। नहीं कोबरा, मैं वेनम को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो सिर्फ किसी के शरीर को अपने वश में नहीं करता, बल्कि उसके पूरे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए दिमागी तौर पर क्रोनो अभी भी ठीक नहीं है। क्रोनो मेरा दोस्त है और मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो अपने दोस्तों पर कभी भी हमला नहीं करेगा।